एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहला वीडियो आप लोगों को मैं बताया था, पहला वीडियो की ब्लूप्रिंट को कैसे रेट करते हैं, और सेकंड वीडियो में मैं रणनीति और योजना बताया था। विषय गणित में हमारी पूरी अध्याय की जर्नी कैसे रहने वाली है, और मैं बोला था हमारी और आपकी गणित की जो जर्नी है वो अध्याय एक के पहले क्वेश्चन से चालू होगी और लास्ट अध्याय के लास्ट क्वेश्चन में जाके खत्म होगी। तो ठीक है, अध्याय एक जिसका नाम है संबंध एवं फलन, आज से मैं चालू करा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए आप लोग मस्त नए पेज में हेडिंग डालेंगे, और मैं बोला था न्यू कॉपी होना चाहिए। अगर आप रणनीति और योजना वाला वीडियो देखे और नहीं देखे तो उस वीडियो को पहले देख के आइए, तो आपके पास एक न्यू कॉपी A4 साइज की और एटलीस्ट 3 कलर के पेन तो होने चाहिए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऊपर में हेडिंग डाली अध्याय एक संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन, और इसे 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है। और संबंध एवं फलन में क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये मैं पूरा बता दिया यहाँ पे सिलेबस कि संबंध में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और फलन में क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं फिर लाइन वाइज लाइन आप लोग को पढ़ाते जाऊंगा। तो ये आप लोग पहले पेज में संबंध लिखिए और संबंध में इतना चीज पढ़ने वाले हैं ये लिखिए, फलन लिखिए और फलन में इतना चीज पढ़ने वाले हैं ये लिखिए, ताकि आपको ना आपकी चुनौती के बारे में पहले से ही पता रहे। तो पहले पेज में लिख डालो, इसको लिख डालो कि यही से हमको 4 नंबर मिलने वाले हैं, यही से 4 नंबर मिलने वाले हैं, लिख डालो इसको। तो चलिए ठीक है, फिर मैं इस क्लास को शुभारंभ करता हूं। तो हमारी और आपकी परीक्षा की जो जर्नी है, परीक्षा जो अभी साल आप लोग दोगे 2023 में, उसका अब मैं एंड गेम बता रहा हूं। पढ़ तो लिया ना, जैसे 12वीं में आए होगे तो पढ़े होगे ना इसको, अब अंतिम बार अपन इसको पढ़ते हैं, पेपर लिखते हैं, पेपर के पहले एक बार रिवाइज करेंगे, पेपर लिखेंगे और फिर खत्म करेंगे, एंड गेम चालू करते हैं हम लोग। ठीक है, संबंध क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, जैसे कि आपका और मेरा संबंध है, एक टीचर और एक स्टूडेंट का संबंध है, ठीक है, भाई बहन का होता है, ठीक है, पेरेंट्स का होता है, पेरेंट्स और आपका, ये सब रिलेशन है, ये हम लोग को मालूम है। अब यहां पर किस पर्टिकुलर संबंध के बारे में बात कर रही है उसको हम लोग देखेंगे गणित के लैंग्वेज। तो अगर आप अभी जो डेफिनेशन देख रहे होगे उसको अभी मत देखना, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ध्यान से देखो, मैं एक समुच्चय ए और समुच्चय बी लिया, इसको समुच्चय ए और समुच्चय बी पढ़ेंगे। समुच्चय ए में मैं अवयव ले रहा हूं 1, 2, 3, 4, ये समुच्चय ए का अवयव है। समुच्चय ए, ये आप लोग संबंध एवं फलन कक्षा 11वीं में भी था, ये वहां से आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो मैं भी बता रहा हूं। समुच्चय ए है ये, ठीक है, सेट ए बोलते हैं, उसके अंदर जो लिखा रहता है वो अवयव होता है। तो ये 1, 2, 3, 4 क्या है, समुच्चय ए का अवयव है, और इसको मैं एक्स से शो किया। और ये समुच्चय बी है, उसके अंदर का जो अवयव है वो है 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये क्या है, समुच्चय बी का अवयव। थोड़ा सा मैं आप लोग के लिए बताने के लिए इसको मैं इजी बनाता हूं मैं, बस ध्यान से देखना। इसका मैं अवयव लेता हूं 2, 3, 4, 5, बस ध्यान से देखना। मैं बोला समुच्चय ए के अवयव लिया मैं, उसको एक्स से शो किया, मतलब ये एक्स बराबर एक है, एक्स बराबर दो, एक्स बराबर तीन और एक्स बराबर चार। और समुच्चय बी के अवयव को मैं वाई नाम दिया, यानी कि ये वाई बराबर दो है, वाई बराबर तीन, वाई बराबर चार और वाई बराबर पांच, क्लियर है। समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी के अवयव से कैसे कनेक्टेड है, कैसे जुड़ा हुआ है, उसी को ही संबंध बोलते हैं। यहां पर से मैं ए और बी में एक संबंध आर स्थापित कर रहा हूं। अब मैं बोला समुच्चय ए का अवयव 1 समुच्चय बी के अवयव 2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध 2 से है, अभी इसको हटा देते हैं। अब 2 का संबंध मैं 3 से किया, 3 का संबंध 4 से किया, और 4 का संबंध मैंने 5 से बनाया। अब परिभाषा को पढ़ो बोला मैं, क्या है, दो अलग अलग समुच्चय, समुच्चय ए और ये समुच्चय बी, उन दोनों के अवयव, ये समुच्चय ए का अवयव और समुच्चय बी का अवयव, उन दोनों के अवयव एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है, देखो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है या किस तरह से जुड़े हुए हैं, किस संबंध को फॉलो कर रहे हैं, उसे ही संबंध कहते हैं। मोटा अगर मैं बोलूं तो समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी के अवयव से कैसे कनेक्टेड है उसको हम संबंध बोलते हैं। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये परिभाषा नहीं आएगा, हाँ रोस्टर रूप आएगा। तो देखो इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, आर, हमने संबंध आर स्थापित किया, आर, और करली ब्रैकेट से ही लिखेंगे, करली ब्रैकेट से ही लिखेंगे।
ए का संबंध दो से है, ए का संबंध दो से है, तो कैसे लिखेंगे, ए कॉमा दो। फिर दो का संबंध तीन से है, दो का संबंध तीन से है, तीन का संबंध देखो चार से है, और आप लोग देख पा रहे होगे तो बताओ चार का संबंध किससे है, पांच से, चार का संबंध किससे है, पांच से। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि रोस्टर रूप में हम लोग, ये आर फॉर सम रिलेशन है ना, संबंध को रिलेशन बोलते हैं, रोस्टर रूप में आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि इसका संबंध इससे है तो एक कॉमा दो लिख दो, इसका संबंध इससे है तो दो कॉमा तीन लिख दो, फिर तीन का संबंध चार से है तो तीन कॉमा चार, फिर चार कॉमा पांच, ठीक ऐसे लिखना है, रोस्टर रूप में ऐसा ही लिखना है, ध्यान से देखना। अब एक और रूप होता है समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण रूप में अगर आप लोग को लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो ध्यान से देखना, समुच्च निर्माण रूप थोड़ा समझने लायक। यहां पे तो R लिख दो, संबंध पढ़ रहे, संबंध को रिलेशन बोलते हैं, ध्यान से देखो अगर आप लोग देख पा रहे हो इसको, तो ये देखो ये पेयर में, इसको क्रमित युग्म बोलते हैं, ये पेयर में अकेला नहीं है, एक कॉमा दो एक पेयर में जोड़े में। तो ये एक क्या है जो पहले है, ये जो मैं पहले लिख रहा हूं ये पहले, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे तो ये समुच्च ए का अवयव है, ये जो जो पहले लिख रहा हूं, ये दो भी तीन भी चार भी समुच्च ए का अवयव है, समुच्च ए के अवयव को मैंने एक्स बोला है, तो पहला वाला जो है वो एक्स है, सब में पहला वाला एक्स है, और जो सेकेंड नंबर पर लिख रहा हूं, सेकेंड नंबर पर जो मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखो, वो समुच्च बी का अवयव है, और समुच्च बी के अवयव को मैं वाई बोला हूं, समुच्चय B के अवयव को मैं Y बोला हूं। तो यहां पे जो पहला है वो सब X है, सब X है, और जो सेकंड में है वो सब Y। तो हम लोग क्रमित युग्म में लिखे, कैसे लिखे, X कॉमा Y, X कॉमा Y, सच दैट, ये जो बिंदु दो लगाते हैं उसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है, इस प्रकार से। अब ध्यान से देखो, मेरे को संबंध बताना है X और Y में क्या है, बस ध्यान से देखो X और Y में क्या संबंध है। x यहां पे एक है तो y क्या है, दो है, x अगर दो है तो y है तीन, x अगर तीन है तो y है चार, x अगर चार है तो y है पांच। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो y एक ज्यादा आ रहा है x से, तो इनके बीच जो संबंध है मैं वह ऐसे लिख सकता हूं, y बराबर x प्लस वन, x प्लस वन का संबंध है। देखो x अगर एक है पुट कर दो, x एक है पुट कर दो, x की वैल्यू एक, एक प्लस एक कितना होगा दो, ये देखो y की वैल्यू मेरे को दो मिली। अगर x की वैल्यू देखो यहां पे क्या है, x की वैल्यू दो है, तो यहां पे x की जगह दो लिख दू टू, और ये क्या है प्लस वन, तो क्या आया थ्री आ गया, ये देखो y की वैल्यू थ्री। तो इनके बीच का जो रिलेशन मेरे को मिला, रिलेशन मेरे को जो मिला वो ये मिला संबंध। तो एक्स कॉमा वाई क्रमित युग में लिख रहे हैं, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, और संबंध जो है वो वाई बराबर एक्स प्लस वन का है, x प्लस वन का है संबंध। जहां पर आपको बताना पड़ेगा कि भैया x और y क्या है, x और y, x क्या है, x समुच्चय a का अवयव है, समुच्चय a का अवयव है, तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, ठीक है। और मेरे को ये बताओ कि y क्या है, यहां पे y क्या है, y क्या है, y b का अवयव है, तो y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b। तो ये आप लोग रोस्टर रूप और समुच्च निर्माण रूप में लिखना सीखे, अभी और क्लियर होगा, बस आप पेशेंस बना के रखना, सब चीज मैं क्लियर करूंगा। अभी और उदाहरण ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखते जाना। मैं a और b के बीच एक संबंध स्थापित किया r, ठीक है, इसका समुच्च लिखा एक दो तीन चार, और यहां पे मैं लिख रहा हूं तीन चार पांच छह। एक का संबंध तीन से मैं किया, दो का चार से, तीन का पांच से, और चार का छह से, बस ध्यान से बस देखते रहना। अगर मैं इसका रोस्टर रूप और समुच्च निर्माण रूप आपसे पूछूं तो आप कर सकते हो क्या, आप कर सकते हो। देखो अगर मैं रोस्टर रूप के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा आर। रोस्टर रूप में क्या करते हैं, समुच्चय ए का अवयव किससे जुड़ा है, वही देखो ना, एक का संबंध किससे है, ये होगा वन कॉमा थ्री, ओके, फिर 2.4, 2.4, फिर क्या बता सकते हो कि आप 3.5, बहुत जबरदस्त 3.5, उसके बाद अगर आप बता सकते हो तो जबरदस्त है 4.6, गजब 4.6, सर 4.6, यार आप लोग तो मतलब जीनियस हो, बता दिए, ठीक है। अब समुच्च निर्माण रूप आपको बताना है, इसका समुच्च निर्माण रूप क्या होगा, समुच्च निर्माण रूप पीछे मैं बताया, तो आप लोग कैसे करना, आर
देखो हम लोग पेयर में लिखे, पहले किसको लिखे, एक्स को, पहला वाला एक्स का अवयव, एक्स अवयव, दूसरा वाई अवयव, तो एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई सच दैट। अब इसमें आप लोग को संबंध कैसे दिख रहा है, बोलो वाई एक्स में मैं ऐसा क्या किया कि वाई मिल गया, एक्स में ऐसा क्या किया कि वाई मिल गया। अगर ध्यान से देख रहे होगे तो इस एक्स में मैं अगर दो दो जोड़ू, एक में दो जोड़ा तीन, दो में दो जोड़ा चार, तीन में दो जोड़ा पांच, चार में दो जोड़ा छह, तो एक्स में अगर मैं दो जोड़ू तो मेरे को वाई मिल रहा है, ये मेरे को संबंध मिल गया, संबंध मिल गया। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू। अब आपको बताना है कि x और y क्या है, कौन है, तो x जो है यहां पे x लिख लो और यहां y लिख लो। तो x a में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, x a का अवयव है, तो x बिलोंग्स टू a और y क्या है, y बिलोंग्स टू b। ये हो गया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है इतने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक और चीज मैं लेता हूं, फिर एक और चीज मैं लिया, अगर मैं P और Q लिख रहा हूं यहां पे, अब ध्यान से देखना, P और Q लिख रहा हूं, एक संबंध R में बता रहा हूं, और इसमें मैं आप लोग को प्रांत, सहप्रांत और परिसर पूछूंगा, ये मैं साइड कर रहा हूं, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, बोला मैं ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, कर लिए हो, आशा करता हूं आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है, और अगर नोट नहीं करे होंगे तो ये आप लोग को लिखना तो आता ही। अब मैं इसका प्रांत, सहप्रांत और परिसर में पूछना चाह रहा हूं, तो ध्यान से देखना, है नया चीज आया, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहां पे मैं लिखा एक दो तीन चार, यहां पे मैं लिखा एक चार नौ सोलह, बस ध्यान से बस देखते रहना, एक का एक के साथ, दो का चार के साथ संबंध, तीन का नौ के साथ, चार का सोलह के साथ, बस ध्यान से देखो। एक और लिख रहा हूं मैं यहां पर, मान लो लिखा मैं 20, ठीक है। अगर मैं इसका बोलू रोस्टर रूप, लिखो आप इसका रोस्टर रूप तो कैसा होगा, इसका रोस्टर रूप कैसा होगा, R, इसका रोस्टर रूप मेरे को लिख के बताओ, एक कॉमा एक, सर बहुत बेहतरीन सर, ये तो हम बताएंगे सर, दो कॉमा चार, सर ये तो जबरदस्त है सर, तीन कॉमा नौ, सर सर तीन कॉमा नौ, एक लाइन में लिखना, मेरे पास जगह नहीं करके नीचे लिख रहा हूं, चार कॉमा सोलह, ठीक। अब 20 को नहीं लेना, 20 का किसी के साथ पेयर बना क्या, 20 का किसी के साथ पेयर बना क्या, नहीं बना, 20 का कुछ नहीं है तो मत करो, संबंध 20 का किसी के साथ नहीं है, छोड़ दो, छोड़ दो, ये रोस्टर रूप हो गया। अब आप लोग समुच्चय निर्माण रूप लिख सकते हो क्या, इसका समुच्चय निर्माण रूप लिख सकते हो क्या, समुच्चय निर्माण रूप बताओ, ये तो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, इसको मैं एक्स दे दिया और इसको मैं वाई दे दिया, यहां पर देखना ट्विस्ट करूंगा, एक बेहतरीन जबरदस्त ट्विस्ट आएगा, एक्स कॉमा वाई। अब इसमें आप लोगों को क्या रिलेशन दिख रहा है, क्या रिलेशन दिख रहा है, अब यहां पे ए और बी नहीं है, ए और बी की जगह पी और क्यू है, पी और क्यू है। देखो मेरे को वाई कब मिला, मतलब एक्स का मैं क्या किया कि वाई मिला, एक्स का क्या किया कि वाई मिला, मैं बताऊं, स्क्वायर किया, तो देखो एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह, मतलब अगर संबंध की बात करूं ना तो मेरे को y कब मिल रहा है, जब मैं x का स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये मेरे को संबंध मिला, ये मेरे को संबंध मिला। अब आपको बताना है कि x और y क्या है, x और y क्या है, अब ध्यान से देखना, x क्या है बताओ, ये एक लाइन में आना चाहिए ना, x क्या है, x a का समुच्चय नहीं है, p का समुच्चय है, यहां पे जो होगा वो देखना, यहां पे a था तो मैं यहां पे a लिखा था समुच्चय निर्माण रूप में, x belongs to और यहां पे y belongs to b, यहां पे p है, तो x क्या है, यहां पे x जो है ना, ये x वो p का अवयव है, x belongs to p, और y belongs to b मत करना, यहां पे b होता तो b लिखते, q है यहां पे, y belongs to q, ये हुआ इसका समुच्चय निर्माण रूप और वो रोस्टर रूप। अब आप लोग रोस्टर रूप लिखना समझ गए, समुच्चय निर्माण रूप लिखना समझ, प्रांत सहप्रांत और परिसर क्या है बताओ, प्रांत सहप्रांत परिसर, देखो प्रांत क्या होता है, रफ लैंग्वेज में बोल रहा हूं, बुक के लैंग्वेज से नहीं बोलूंगा, प्रांत क्या होता है, पहले वाले समुच्चय से जहां से तीर निकल रहा है, जहां से तीर निकल रहा है वो प्रांत है, देखो एक से निकल रहे, दो से निकल रहे, तीन से निकल रहे, चार से निकल रहे, जहां से तीर निकल रहा है। सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत
जो दूसरा वाला समुच्चय है, दूसरा वाला जो समुच्चय है ये, उसके सारे अवयव, उसके सारे अवयव, ये दूसरा समुच्चय है कि उसके सारे अवयव, 1, 4, 9, 16, 20। परिसर क्या होता है? परिसर देखो, प्रांत क्या होता है? पहले समुच्चय जहां से तीर निकल रहा है। परिसर क्या होता है? दूसरा समुच्चय जहां पे तीर आ रहा है, तीर आ रहा है, ठीक है, रफ लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, तीर आ रहा है। तो देखो तीर किसमें आ रहा है? 1 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 9 में आ रहा है, 16 में आ रहा है, बस 20 में नहीं आ रहा है। अब बुक लैंग्वेज में नहीं बताया हूं, ये अपने लैंग्वेज में बताया हूं ताकि याद करना आसान। तो ये समझ में आया कि आप लोग को? तो आप लोग से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप, प्रांत, सप्रांत, परिसर बना लोगे। तीर निकल रहा है, तीर आ रहा है, सेकंड समुच्चय के सारे अवयव। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। अब देखो संबंध के प्रकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ना चौथा वाला, ये एग्जाम में आ रहा है, ये एग्जाम में आ रहा है। तो चौथा वाले को बनाने के लिए ये तीनों पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी, और जो अभी पढ़ाया वो जरूरी है समझना। देखो संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता संबंध। अब इसके बारे में एक एक करके देखेंगे, बहुत ज्यादा इजी है। तो पहला मैं देख रहा हूं स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध का डेफिनेशन मत जाओ, क्या अभी क्या है कैसा है वो मैं बताऊंगा। ये तो बुक का लैंग्वेज हो गया, अपने लैंग्वेज में बता रहा हूं। ये देखो, ये हमारा लैंग्वेज है। सारे अवयव खुद से कनेक्टेड दिखना चाहिए। क्या बोला मैं? सारे अवयव खुद से कनेक्टेड दिखना चाहिए। चलो तो ए और ए समुच्चय लेना, ये संबंध आर में कर रहा हूं, सारे अवयव बोल रहे हैं। तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब देखो ध्यान से देखो, सारे अवयव खुद से कनेक्टेड दिखना चाहिए। ये हमारा लैंग्वेज में हम याद करेंगे, हमारे लैंग्वेज में याद करेंगे स्वतुल्य संबंध किसको बोलते हैं? सारे अवयव खुद से कनेक्टेड दिखना चाहिए। तो देखो एक है, एक से कनेक्टेड दिखना चाहिए, 2, 2 से कनेक्टेड दिखना चाहिए, 3, 3 से कनेक्टेड दिखना चाहिए, 4, 4 से कनेक्टेड दिखना चाहिए, अगर यहाँ पे 100 होता तो 100, 100 से कनेक्टेड दिखना चाहिए। सारे अवयव खुद से कनेक्टेड दिखाई अगर देंगे तो वो क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, एक और मैं आपको लेता हूं, पी और पी स्वतुल्य में सेम समुच्चय लेते हैं, यहां पी लिया तो यहां पे भी लेंगे। अगर मैं संबंध आर स्थापित कर रहा हूं, बस ध्यान से देखना, अगर मैं लिखा 2, 4, 6, 8, 10, तो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं? देखो 2, 4, 6, 8, 10, बस ध्यान से बस देखना, 2 से 2 कनेक्टेड है, ये 4 से 4 कनेक्टेड है, 6 से 6 कनेक्टेड है, 8 से 8 कनेक्टेड है। इसको अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, अब ध्यान से देखो, ये क्या है? स्वतुल्य है क्या? हाँ स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। तो ये देखो मैं टिक कर दिया भाई, ये स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है कि नहीं आप बताओ? ये स्वतुल्य नहीं है भाई, ये स्वतुल्य नहीं है। सर क्यों? यहां पे तो दिख तो रहा है 2, 2 से कनेक्टेड है, 4, 4 से, 6, 6 से, 8, 8 से। अगर आप ध्यान से पढ़े होगे तो यहां पे देखो सारे लिखा हूं मैं, सारे अवयव, सारे मतलब ये सारे अवयव, तो ये 10 भी कनेक्टेड होना चाहिए था 10 से, तो यहां पे सारे अवयव खुद से कनेक्टेड नहीं है। यहां पे 5 अवयव है तो 4 अवयव ही खुद से कनेक्टेड है, पांचवा अवयव कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि सारे अवयव खुद से कनेक्टेड नहीं है, 10 खुद से कनेक्टेड नहीं है, 10 खुद से कनेक्टेड नहीं है। एक लास्ट एग्जाम्पल अगर मैं लू इसका, ए से ए में चलो मैं संबंध स्थापित कर रहा हूं, बस ध्यान से देखना, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 1, 1 से कनेक्टेड है, 1, 2 से कनेक्टेड है, 2, 2 से कनेक्टेड है, 2, 3 से कनेक्टेड है, 3, 3 से कनेक्टेड है, और 4, 4 से कनेक्टेड है। अब ये मेरे को बताओ आप लोग कि स्वतुल्य संबंध है कि नहीं? तो स्वतुल्य संबंध क्या बोलता है? कि सारे अवयव खुद से कनेक्टेड होना चाहिए, खुद से कनेक्टेड होना चाहिए, भले वो एक्स्ट्रा किसी के साथ कनेक्टेड हो, हमको उससे लेना देना नहीं है, बस खुद से कनेक्शन होना चाहिए। देखो एक का एक से कनेक्शन है, पास हो गया, अब बाकी एक का किसी के भी साथ हो हमको कुछ लेना देना नहीं है, 2 का 2 से है, पास हो गया ये, बाकी 2 का किसी से भी हो, 3 का 3 से है, हाँ, 4 का 4 से है, हाँ, ये पास हो गया,
बस सारे अवयव का खुद से कनेक्शन होना चाहिए और एक्स्ट्रा किसी से भी कनेक्टेड होना, ये दो से कनेक्टेड क्या, तीन से भी हो, चार से, उससे कोई मतलब नहीं, खुद से कनेक्टेड है ना, बस खत्म बात। तो यही है स्वतुल्य संबंध के बारे में बताया। अब दूसरा देखो क्या है, सममित संबंध के बारे में बता रहा हूं। सममित संबंध, सममित, और इसका आप थोड़ा परिभाषा भी आप पढ़ लेते हैं। देखो यदि किसी समुच्चय ए में, ये देखो किसी समुच्चय ए है में कोई आर में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव, ये देखो क्या लिखा है, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो। ये देखो ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से, ये देखो ये स्वयं से आर द्वारा परिभाषित हो, यानी कि उसका संबंध हो, बोल रहा है। ये भी वही बोल रहा है कि खुद का खुद से कनेक्शन हो। ये बुक के लैंग्वेज में और ये अपन अपना लैंग्वेज बनाए, क्लियर है क्या भाई? चलो तो देखो सममित संबंध क्या है, सममित संबंध, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ो मैं बोला, अभी इसको कुछ मत करो। देखो क्या लिखा मैं, हम कैसे याद करेंगे, जो दिख रहा क्रमित युग्म उसका उल्टा भी दिखे। क्या बोला मैं, जो दिख रहा क्रमित युग्म उसका उल्टा भी दिखे। ध्यान से देखना, तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए का अवयव एक्स है और ए का अवयव वाई, तो यहां पे अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए है तो इंप्लाइज दैट, तो फिर इसका मतलब होता है इंप्लाइज दैट, और इंग्लिश में बोलते हैं इंप्लाइज दैट और हिंदी में बोलते हैं तो फिर, अगर ये है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, ये मैं दो समुच्चय लिया, संबंध आर कर रहा हूं, बस ध्यान से देखते रहना। ये बोल रहा है x कॉमा वाई, तो ठीक है ये x ले लो और y ले लो। ये देखो x जो है a का अवयव है, y जो है a का अवयव है, तो x कॉमा y बिलोंग्स टू a, x कॉमा y बिलोंग्स टू a, मतलब x कॉमा y a का अवयव है। अब बोल रहा है x कॉमा y बिलोंग्स टू a, तो फिर यहां पे बिलोंग्स टू r करना ना, यहां पे r करना, ये अगर x कॉमा y बिलोंग्स टू r है, संबंध में x कॉमा y दिख रहा है, तो y कॉमा x भी दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो 1 2 3 4, यहां पे लिख रहा हूं 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं ऐसे किया, ये चार करो, ये देखो एक का संबंध दो से, दो का संबंध एक से, तीन का संबंध चार से और चार का संबंध तीन से, बस ध्यान से देखते रहना। तो इसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, इसका रोस्टर रूप मैं अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखो एक का संबंध दो से है, तीन का संबंध चार से है, तीन का संबंध चार से है और चार का संबंध तीन से है। अब ध्यान से देखना, मैं पूछा ये सममित है कि नहीं, तो आप लोग देखो 1, 2 मतलब ये है x और ये वाला है y, ये क्या है x, ये है y, ये क्या है x, पहले वाला x है, दूसरे वाला y, x कॉमा y। तो ध्यान से देखो ये बोल रहा है अगर x कॉमा y अगर उस संबंध में है तो y कॉमा x भी इस r में होना चाहिए। तो देखो x कॉमा y 1, 2 तो इसका उल्टा भी होना चाहिए इस r में। देखो 1, 2 का उल्टा क्या होता है, 2, 1 है, पास हो गया। यह है 2, 1 तो 2, 1 का उल्टा भी होना चाहिए, मतलब 1, 2 भी होना चाहिए। देखो 1, 2 है तो यह भी पास हो गया। अब इसको चेक करता हूं 3, 4 मतलब 4, 3 भी होना चाहिए। देखो 4, 3 है, यह भी पास हो गया। 4, 3 का उल्टा क्या होता है, 3, 4 है क्या, 3, 4 इस पूरे में, हाँ है 3, 4 तो यह भी पास हो गया। सब पास हो गए, इसका मतलब सममित संबंध है। तो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ए दिया है 1, 2, 3 और आर ए से ए में परिभाषित है, मतलब दो हम लोग को समुच्चय दिए हुए हैं ए और ए, जैसे कि इसमें था ए और ए, और उसमें क्या दिया हुआ है 1, 2, 3 मतलब कि इस ए में 1, 2, 3 है और इस ए में भी 1, 2, 3, ठीक है, इसका मतलब ये। तो आप लोग को बताना है ये सममित है कि नहीं। सममित के लिए क्या होता है, जो दिख रहा है क्रमित युग्म, ये क्रमित युग्म है, ये क्रमित युग्म, उसका उल्टा भी दिखे, है ना। तो ध्यान से देखो, चलो देखते हैं 1, 1
एक कॉमा एक का उल्टा तो एक कॉमा एक ही होता है ना, ये एक कॉमा एक को पलटा दो तो क्या होगा, एक कॉमा एक, तो इसका उल्टा तो है ये खुद है, इसका उल्टा ये खुद है तो ये पास हो गया। एक कॉमा दो, एक कॉमा दो का उल्टा होता है दो कॉमा एक, देखो दो कॉमा एक है क्या, दो कॉमा एक, दो कॉमा एक, दो कॉमा एक, दो कॉमा नहीं है तो ये फेल हो गया, फेल हो गया। अब आगे चेक मत करो, फेल हो गया मतलब खत्म, ये सम्मित नहीं है भाई, सम्मित नहीं है, ये सम्मित नहीं। यहां देखो एक कॉमा एक, एक कॉमा एक का उल्टा एक कॉमा एक ही होता है, ये पास हो गया। एक कॉमा दो का उल्टा दो कॉमा एक है, ये भी पास हो गया। दो कॉमा एक का उल्टा होता है एक कॉमा दो, ये भी पास हो गया, मतलब ये सम्मित है। आप लोग लिखेंगे यह सम्मित है, इसको देखो एक कॉमा दो और दो कॉमा एक, ये सम्मित है कि नहीं ये बताना है, आपका होमवर्क है, यह आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट करके बताना ये होमवर्क। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, मैं आप लोगों को बताया संबंध के बारे में, स्वतुल्य के बारे में और सम्मित के बारे में बताया, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसी बेस बनाते बनाते हम लोग आगे जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसके आगे का मैं बताऊंगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सपने देखते रहिए, और सपने को सच करने के लिए मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।